का पर्व विजयदशमी के अवसर पर लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए मुकबधिर विद्यालय कोलाणा में पहले बच्चों को फल वितरण किए, उसके पश्चात बुराई पर अच्छाई की जीत पर बालकों द्वारा बनाई गई आधुनिक रावण के आदमकद पुतले को देखकर खुशी जाहिर की, जिसमें कोरोना संक्रमण के फैलने को लेकर जागृति लाने के उद्देश्य से रावण के पुतले को मास्क भी पहनाया गया। वहीं मुकबधिर विद्यालय के बालकों को खेल सामग्री उपलब्ध करवाई गई। गौरतलब है कि पूर्व बाल कल्याण बोर्ड के चेयरमैन स्वर्गीय राम सिंह प्रभाकर की 9वीं पुण्यतिथि पर विजयदशमी को अपने घर के बच्चों के साथ न मनाकर मुकबधिर बच्चों के साथ मनाने का संकल्प लिया और उन्हें फल वितरण कर खेल सामग्री उपलब्ध कराई। प्रभाकर अपने जीवन में मानव कल्याण के लिए संघर्षरत रहे और अंतिम समय भी जिला कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग के दौरान अंतिम सांस ली। उनका जीवन समाज कल्याण, बच्चों के उत्थान व शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने में न्योछावर कर दिया।